हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू मल्टीवर्स ऑफ मॉम। प्रेगनेंसी में हमें कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए, ये क्वेश्चन मैक्सिमम सारे ही प्रेग्नेंट लेडीज के माइंड में आता है। कौन से फूड हमें कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए और कौन से फूड आइटम्स है जिनका कंजम्पशन हमें प्रेगनेंसी में लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ऐसे फूड्स जो हमें प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए। उसमें फर्स्ट आता है रॉ और अंडर कुक एग, चिकन एंड मीट। अगर आप फ्रिक्वेंटली नॉनवेज खाते हो तो आपको इसे रॉ और अंडर कुक फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ये जो रॉ मीट, चिकन और एग होते हैं, ये सैल्मोनेला नाम की बैक्टीरिया का सोर्स होते हैं, जिसकी वजह से मदर को फूड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और रेयर कंडीशन में इसकी वजह से मिसकैरेज होने की भी संभावना होती है। एग इज अ गुड सोर्स ऑफ अ प्रोटीन। अगर आप एग प्रोटीन के लिए कंज्यूम करते हो तो आपको हार्ड बॉइल्ड एग ही खाना चाहिए। हाफ फ्राई, हाफ बॉइल्ड एग या फिर रॉ एग आपको अवॉइड करना है। और सेम थिंग विद चिकन एंड मीट, ये आपको अंडर कुक या रॉ बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट सेफ फॉर मदर एंड बेबी। सेकेंड है स्प्राउट। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, स्प्राउट खाना बहुत लोग प्रेगनेंसी में प्रिफर करते हैं। ये डायरेक्टली सलाद में ऐड करके भी लोग खाते हैं, बट आपको रॉ स्प्राउट कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। स्प्राउट्स को ग्रो होने के लिए जो वार्म टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन लगती है, सेम कंडीशन फेवरेबल होती है हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए भी। स्प्राउट जो है वो इकोलाई, लिस्टेरिया, सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया का सोर्स होता है। इसे मदर एंड बेबी दोनों को हार्म हो सकता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेकमेंड करता है प्रेग्नेंट वुमेन को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए रॉ स्प्राउट खाना। फिर भी अगर आप स्प्राउट खाना प्रिफर करते हो तो आपको हमेशा वेल कुक या फिर वेल स्टीम स्प्राउट ही खाने चाहिए। थर्ड जो है वो है फिश। फिश जो है वो बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस पार्ट होता है प्रेग्नेंट वुमेन के डाइट का, बट आपको अवेयर रहना है कि आप किस टाइप की फिश खा रहे हो। मेनली सी फिश जो होती है उनमें मर्क्यूरी ज्यादा होता है, तो जीन फिश में मर्क्यूरी ज्यादा है, वो अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हो, ज्यादा अमाउंट में करते हो, तो मर्क्यूरी हाई लेवल होने की वजह से बेबी के नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट पे असर हो सकता है। जिन फिशेज में मर्क्यूरी हाई होता है आप उसकी लिस्ट स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रूट जूसेस। अगर आप फ्रूट जूसेस स्ट्रेन करके या फिर वाटर ऐड करके ले रहे हो तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है और फाइबर कंटेंट भी कम हो जाता है। इसी के साथ साथ टेट्रा पैक वाले फ्रूट जूसेस जो आते हैं वो भी आपको बिल्कुल भी अवॉइड करने चाहिए। इनमें प्रिजर्वेटिव होता है और एडेड शुगर होती है, जो आपके और आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं है। आप मोस्टली फ्रेश फ्रूट ही प्रिफर कीजिए। आप उसको अच्छे से वॉश करके फ्रेशली कट फ्रूट ही आपको खाने चाहिए। खाने से बहुत पहले कट किए हुए फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। इनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। उसके बाद वेजिटेबल भी आप जब भी यूज कर रहे हो आप उसको अच्छे से वॉश कीजिए। बासी खाना भी आपको खाना अवॉइड करना है। मतलब मॉर्निंग का बना हुआ आप नाइट में खा रहे हो, नाइट का बना हुआ आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खा रहे हो, तो आपको ऐसे अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो फूड आता है जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है अनपाश्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप डेली मिल्क कंज्यूम करते हो तो आपको मिल्क अच्छे से बॉइल करके, लिक्वॉर्म या फिर ठंडा करके ही पीना चाहिए। आपको सॉफ्ट चीज भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चीज को कुक करके खा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लेडीज को क्या होता है, प्रेगनेंसी में आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है। आप फ्रोजन आइसक्रीम खा सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप सॉफ्टी खा रहे हो, सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम खा रहे हो, तो वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि सॉफ्टी का जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो लिस्टेरिया की ग्रोथ को अलाउ करता है, जो बेबी और मॉम के लिए हार्मफुल है। तो आपको प्रेगनेंसी में सॉफ्टी खाना भी अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल कंज्यूम करने से मिसकैरेज के और प्रीमैच्योर बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जो हमें लिमिटेड अमाउंट में लेने चाहिए? इम्पोर्टेंट है कैफीन। कैफीन जो है अगर हम ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं तो मिसकैरेज, प्रीमैच्योर बर्थ या फिर बेबी का जो बर्थ वेट है वो कम होना, ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ सकता है। कैफीन जो है वो नेचुरली बहुत सारी चीजों में हमें देखने को मिलेगा। टी, कॉफी, चॉकलेट, इनका कंजम्पशन आपको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में करना है। जैसे अगर आप डेली 2 कप कॉफी या फिर टी लेते हो तो आपको 1 कप टी या कॉफी लेना चाहिए। उसके बाद जो है ये कैफीन जो होता है वो बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में, एनर्जी ड्रिंक्स में एडेड होता है, वो भी आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए। प्लीज अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। आप लोग नहीं जानते होंगे थम्सअप, कोको कोला, जो भी सॉफ्ट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखोगे तो आप जो नीचे से इन्फॉर्मेशन जाती है वो दिखेगी, उस पे लिखा होता है कि ये एडवाइजेबल नहीं है प्रेगनेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए। बट
वही पे आप बॉटल पे देखोगे तो ये कहीं पे वार्निंग नहीं लिखी हुई है। तो प्लीज प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।